ओए रस्सी खींच रस्सी छोड़ दो। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ एबी बट एंड वेलकम टू द चैनल राइड विद एबी। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का अगर मैं आपको प्लान बताऊँ तो आज हम जा रहे हैं जी खानपुर डैम, और वहाँ पे जाके काफी सारी वाटर एक्टिविटीज हैं, जैसे कि जेट स्की है, पैरासेलिंग है। तो काफी अरसे से जो है वो पैरासेलिंग का बड़ा मूड हो रहा था, तो आज सोचा कि चलते हैं। मौसम भी जो है वो बड़ा अच्छा है, और आज हमारे साथ जो है वो जाएंगे सामा। बाइक जो है वो यहाँ पे तैयार खड़ा है। कुछ चेंजेस जो है वो मैंने बाइक में करवाई थी, जैसा कि ये यहाँ पे ये लिखवाया था, और टंकी के ऊपर यहाँ पे इस तरफ भी राइड विद एबी और यहाँ पे भी राइड विद एबी। और वीडियो को जो है वो आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि आज बहुत ही मज़े की वीडियो होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन लाइफ में पैरा सेलिंग करने वाला हूँ, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, अगर टाइम बचा तो वो सारी करेंगे, लेकिन जो मेन हमारा जाने का एम है वो है पैरा सेलिंग। और ये है भाई साहब हमारे बाइक की जो है वो पिक्चर ले रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं हम हमारे बाइक के जो है वो दीवाने मिल जाते हैं। लगता है अंकल को बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। ओए होए होए होए, इतनी ज़्यादा तस्वीरें तो कभी मैंने नहीं ली। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं इस टाइम खानपुर, और मेरे सामने जो व्यू है वो खैर इनको मेरी इतनी बड़ी ग्लासेस में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ओके, बहुत ही जबरदस्त व्यू है, आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई, हाय 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 हाय, वाह क्या सीन है। वो सामने बिल्कुल जो है वो पैरासेलिंग हो रही है। पानी जो है वो इस टाइम कम हुआ हुआ है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त व्यू आ रहा है। ये सामने हो रही है जी पैरासेलिंग। अब हम आ चुके हैं खानपुर डैम में, ठीक है, प्राइवेट एरिया ये। अगर आप लोग भी आएँ तो यहाँ पे मेरा नाम बताएं, आपको वो एंटर होने देंगे, लेकिन हर बंदे को यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है। चल झूठा। ये नीचे आ गया जी बोटिंग वाला एरिया, ये सामने जेट स्कीज वगैरह खड़ी है। भाई साहब हमारी पैरा सेलिंग के लिए बुकिंग हो गई है। वो सामने एक बोट है, वो हमें वहाँ सामने तक लेके जाएगी, और वहाँ पे जाके पैरा सेलिंग करेंगे, और वहाँ से जो है हमें वापस यहाँ तक लेके आएगी। प्रोटोकॉल मिल रहा है भाई आज फिर मेरी वजह से। पूछा मैंने कुछ? ये इस तरह जी हमने रस्सी के साथ बंधे होने हैं और फुल ऊपर। तो गाइस उसामा जो है वो फुल इस टाइम रेडी है, क्या हालात है? तेरी टांगे फौरन कांपने लग जाती हैं। ना रोप से पकड़ कर दोनों हाथों से पैदा चिन की तरफ नीचे, हाँ चिन की तरफ ले गया ना इस तरह। ओह भाई, ओह यार कसम से टांगे इसकी ऐसे खुली है जैसे पता नहीं किधर जा रहा है। भाई लेवल हो गया, लेवल कैसा? वो चसी थोड़ा एहतियात से बैठी। क्यों छोड़ दी ले जाए? और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे। यार कसम से लेवल का एक्सपीरियंस है, मस्ट ट्राई है, मस्ट। थोड़ा सा शुरू में डर लगता है,
लेवल हो गया। ओए रस्सी खींच रस्सी आ छोड़ दो। तो गाइस पैरासेलिंग से जो है वो हम हो चुके हैं फारिग। तो अब हम जा रहे हैं वापस। ये सामने बोट जो है वो खड़ी हुई है। पैरा सेलिंग हुई आज। तो भाई साहब लेवल का एक्सपीरियंस था पैरा सेलिंग का। और अभी जो है वो हमारा जेट स्की का प्लान भी बन रहा है। बहुत ही जो है वो पुरसकून एरिया है ये सारा। सामने वाली साइड तो काफी ज्यादा रश वगैरह है। यहाँ पे बिल्कुल सामने जो है वो कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह भी बने हुए हैं। यहाँ पे आप लोग स्टे भी कर सकते हैं, काफी अच्छे रूम्स हैं इनके। तो भाई जेट स्की के लिए जो है मैं रेडी होने लगा हूँ। ये इंसान जेट स्की नहीं कर रहा क्योंकि इसको जो है वो पहले ही पैरा सेलिंग की वजह से डर लग रहा है। खाना जो है वो हमारा आ चुका है, चेक करते हैं। ओए होए 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 भूख लगी है बड़ी सख्त। A few moments later. तो अभी चलते हैं जी वापस क्योंकि अभी जो है वो हमने माल्टों के बाग भी आप लोगों को दिखाने हैं। यहाँ के जो माल्टे हैं वो भी ज्यादा मशहूर हैं। इस वक्त जी हम पहुंच चुके हैं खानपुर से थोड़ा सा आगे। यहाँ पे जो है वो माल्टों के बाग थे और यहाँ से हमने ताज़े माल्टे तुड़वाए हैं और उसका जो है वो हम अभी जूस बनवा रहे हैं और वो पीते हैं और फिर उसके बाद आगे निकलते हैं। ओए होए होए मज़ा आ गया भाई। माल्टे चेक करो भाई, इधर ये चेक करो भाई, माल्टा ही माल्टा इधर।